तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई कुंभ मेला लगने वाला हो, इसीलिए धार्मिक नगरी बसने जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के भाकड़ी गांव में संत श्री आशाराम जी बापू के इस आश्रम में 3 दिवसीय बाल कुंभ मेला लगा, जिसका नाम था विद्यार्थी भविष्य निर्माण शिविर। 3 दिवसीय शिविर में भाग लेने कई जगहों जैसे गुड़गांव, रोहतक, हिसार, पलवल, असावटी और दिल्ली से विद्यार्थी बसों में भर भर कर आए। तक इन बच्चों को एक ऐसी दिनचर्या मिली जहां ना तो मोबाइल की जरूरत थी और ना ही एसी और टीवी की कमी महसूस हुई। ये विद्यार्थी यहां सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे, फिर ध्यान करते थे, सुबह सुबह इस आश्रम के फ्रेश वातावरण में प्राणायाम करते थे, उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ देते। मंत्र उच्चारण के साथ सूर्य को अर्घ देना इन्होंने न केवल सीखा और अभ्यास किया बल्कि आत्मसात भी किया। सूर्य को जल चढ़ाने से हमारी बुद्धि शक्ति में विकास होता है। ॐ भानवे नमः। सूर्य को जल देने से आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ती है, आपका मन एकाग्र होता है, आपका जो ज्ञान केंद्र है वो विकसित होता है। ॐ पुष्णे नमः। हमारी पढ़ाई लिखाई में अच्छे मार्क्स आते हैं। हिरण्यगर्भाय नमः। यहाँ पे सुबह अर्घ देने के लिए बताया गया है, उससे आँखों की रोशनी तेज होती है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उन्हें भी बहुत फायदे होते हैं और ये कई बीमारियों को भी दूर करता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। सत्संग्स आर वेरी गुड हेयर। वी हैव टू डू श्लोक उच्चारण, भजन, कीर्तन एक्सेट्रा। इन विद्यार्थियों को यहाँ प्रकृति का ख्याल रखना और पूजन करना सिखाया गया। साध्वी रेखा बहन और रामा भाई के सत्संग में इन विद्यार्थियों ने सीखा कि गुरुजनों व माता पिता को प्रणाम क्यों करना चाहिए। इसके अलावा अन्य कई संस्कारों की जानकारी इन्हें यहाँ मिली। ये जो बुद्धि है ये केवल पढ़ने के लिए, पढ़ के धन कमाने के लिए, धन कमा के कैरियर बनाने के लिए, कैरियर बना के विदेश जाने के लिए, फिर विदेश में जाके सेट हो जाने के लिए नहीं है। मेरे पूज्य गुरुदेव बापू जी कहते हैं, हे विद्यार्थी, ये जो तेरे में बुद्धि है ये इसी बुद्धि है जो तू इसका सदुपयोग करे, जो तू नित्य प्राणायाम करे, जो तू नित्य माला करे, जो तू त्राटक करे, शास्त्र पढ़े, ब्रह्मचार्य का पालन करे, तो ये बुद्धि केवल विदेश जाके धन कमाने के लिए नहीं है, लेकिन विदेशी भी आके यहाँ पर चरण पे शीश झुकाएं, ये मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है। ऐसे ही प्राणायाम भी होते हैं। हम अपनी आई साइट अगर वीक है, आंखों पे चश्मा लगा है, कान में कुछ प्रॉब्लम है, गले में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए विशेष अलग अलग प्राणायाम होता है। जैसे व्यायाम के द्वारा, योगासन के द्वारा अलग अलग अंगों को, जैसे आप सब बच्चों को अनुभव है कि हम जिस लेफ्ट से या राइट से, जिस हैंड से ज़्यादा कार्य करते हैं उसमें ताकत ज़्यादा आ जाती है, जिस हाथ का उपयोग ज़्यादा करते हैं वो अंग हमारा ज़्यादा काम करता है, मजबूत हो जाता है। तो अभी हमको प्राणायाम करना है और हमें भीतर अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति जगानी है ताकि
जरा सा मौसम बदले और हम छींकने लगे, बीमार होने लगे। और ये प्राणायाम जो आपको सिखाए जा रहे हैं, ये प्राणायाम आपको नियमित रूप से अपने घर पर भी करना है। शिविर में सबसे अच्छी बात क्या है कि बच्चों के लेवल पर जाके ये बात समझाई जा रही है कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, योग विद्या क्या होती है, कि सनातन धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, नश्वर क्या है और शाश्वत क्या है। ये दरअसल बहुत ही भारी भरकम शब्द हैं मेरे जैसे नए साथी के लिए या किसी भी बच्चे के लिए, पर जब ये उस आसान तरीके से समझाए जा रहे थे ना, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ ऐसा सीख रही हूँ जो मैंने कभी पहले सुना या सीखा नहीं है। मैं एक दिन पहले जो इंसान थी, एक दिन बाद से मेरा पूरा जीवन बदल गया। पहले मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन शिविर में आने के बाद कुछ योगासन प्राणायाम सीखे, जिसके बाद मैंने स्टडी पर ध्यान दिया तो मेरे 12th में 90% नंबर आए थे जिसके अंदर, और अपने जितने भी एरियाज है उसमें मैं हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टॉप पे रहा था। इस शिविर में भाग लेने कई स्कूलों से भी विद्यार्थी आए थे। हंसते खेलते यहाँ विद्यार्थी भारतीय संस्कारों की खूबियाँ जानने लगे थे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन्हें व्यायाम, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया, जिसे ये बड़ी ही प्रसन्नता से करते थे। सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के 5 पत्ते खाने का महत्व इन बच्चों को बखूबी समझाया जाता था। शिविर में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे हमें अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और हमें ये सिखाया जाता है कि हम बड़ों का आदर करें, तुलसी के पत्ते खाने चाहिए, हम अपनी बुद्धि शक्ति को कैसे बढ़ाएं और हमारे अंदर एकाग्रता कैसे बढ़े, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। कुछ विद्यार्थी यहाँ ऐसे भी थे जो ऐसे शिविरों में पहले कभी नहीं आए थे, और कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो ऐसे शिविरों में पहले कई बार आ चुके हैं, इसीलिए ऐसे शिविरों की मांग अब बढ़ने लगी है। मैं बीजेपी में मंडल अध्यक्ष हूँ, मेरी धर्मपत्नी ममता चौधरी नगर निगम फरीदाबाद में पार्षद हैं, और हम लोग कई से समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे शिविर लगते रहे तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारा भविष्य है, बच्चों का भविष्य जो हम सोच रहे थे शायद कुछ गलत ना हो, पर अगर ऐसे शिविर में बच्चे आएंगे तो उन्हें अपने संस्कार दोबारा प्राप्त होंगे कि माता पिता की कैसे सेवा की जाए, हमारे पुरखे कौन थे, हमें भगवान में कैसे आस्था रखनी चाहिए, तो ऐसा इन शिविरों के माध्यम से इन बच्चों को सीखने को मिलेगा। यहाँ बड़दादा पे परिक्रमा करके हमारी बहुत सी इच्छाएं जो हम मांगना चाहते हैं बड़दादा जी से, तो वो हमारी अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ बड़दादा पे पूज्य सद्गुरुदेव जी ने शक्ति पाठ किया है। बाद इन्हें यहाँ जप करने व सत्संग सुनने का अवसर मिलता था। संतों की वाणी को ये विद्यार्थी कितना आत्मसात कर पाते हैं, इसके लिए यहाँ सत्संग के बाद दिलचस्प प्रश्नोत्तरी प्रतिस्पर्धा रखी जाती थी, जिसमें ये विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। शिविर में बहुत कुछ सिखाया जाता है, गेम्स होते हैं, बहुत कुछ हमें सत्संग से सिखाए जाते हैं, गुरुजी के बहुत सारे योग कराए जाते हैं। हरिओम, मेरा नाम ईशा है। शिविर में हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठना, नहाना, ये व्यायाम प्राणायाम सिखाया जाता है।
इसके बाद बड़े ही अनुशासित ढंग से ये विद्यार्थी भोजन प्रसाद ही ग्रहण करते थे। भोजन कब व कैसे करना चाहिए इन्हें यहाँ यह भी सीखने को मिला। इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। हमने यहाँ सबने मिलकर भोजन किया, इतना सात्विक भोजन है। मुझे घर पर हम जो नहीं खाते वो यहाँ खाते हैं, और अच्छा भी लगता है। जो घर पर अच्छा नहीं लगता था वो यहाँ पर अच्छा लगता है। सुबह 9 से 11 और शाम को 5 से 7 इधर भोजन मिलता है। शरबत की भी व्यवस्था है। भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद इन्हें कुछ समय विश्राम करने का अवसर मिलता था। फिर शुरू होता था प्रतिस्पर्धाओं का दौर, जिसमें इन विद्यार्थियों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता था। श्लोक गायन, भजन संगीत, कविता पठन, गीत गायन, वाद विवाद व वक्तव्य देना, इन सब प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को भाग लेने का मौका दिया जाता था, जिसमें इन बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ पे योगा की नई नई तरकीब सिखा रहे हैं, जिससे मुझे हर चीज़ याद हो जा रही है। पहले मुझे टेबल्स याद नहीं होती थी, जब मैंने ये किया तो मुझे याद होने लग गई टेबल्स। और मुझे लगता था यहाँ पे सिर्फ ध्यान ध्यान और योगा योगा होगा या फिर भजन होंगे, लेकिन यहाँ पे तो गेम्स भी हैं। यहाँ पे मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। ये जो कैंप है, सर, सारे स्कूल में लगना चाहिए। पता नहीं स्कूल वाले क्यों नहीं लगाते, लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। आपको भी आना है तो आप आ सकते हैं। 3 दिवसीय शिविर में बच्चों को ज्ञान वर्धन, संस्कार शिक्षा, स्वास्थ्य लाभ और परीक्षा में अच्छे अंक लाने की कला सीखने का तथा स्वर्णिम भविष्य बनाने का फुल पैकेज दिया गया था, और इस मौके को इन विद्यार्थियों ने दोनों हाथों से बटोरा। शिविर के 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। शिविर के पहले हमें चीज़ें ज़्यादा याद नहीं होती थी, और शिविर के पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें मालूम नहीं थी अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। लेकिन शिविर के बाद अध्यात्म और जो लौकिक शिक्षा है उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया है। इस पावन भूमि से विदाई के समय सबकी आंखें नम दिखी। कमाल के हैं संत श्री आसाराम जी बापू और उनकी शिक्षाएं। इनकी शिक्षाएं 3 दिन में ही विद्यार्थियों में गजब का चरित्र निर्माण व संस्कार सिंचन कर इतना आत्मविश्वास भर देती हैं, जो कि साधारण स्कूलों में कई वर्षों में भी प्राप्त नहीं होता। शायद इसीलिए इन सब शिविरार्थियों ने नाच गाकर अपनी आत्मिक खुशी का इजहार भी किया। इन सब ने संत श्री आसाराम जी बापू का धन्यवाद अपने अपने तरीकों से किया। किसी ने भजन के द्वारा, किसी ने नृत्य के द्वारा, किसी ने नाटिका के जरिए, तो किसी ने सेवा भाव अथवा नम आंखों से ही धन्यवाद किया। इस खूबसूरत पैकेज की कीमत 300 रुपए से भी कम थी। स्वादिष्ट व सात्विक भोजन, सुंदर वातावरण और संस्कारों का सरल व सुंदर प्रशिक्षण, यही था विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे शिविरों के दाता संत श्री आसाराम जी बापू की जगह कहाँ होनी चाहिए। इन सब विद्यार्थियों ने रह कर यह बात कह ही डाली।